नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय बारा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान विषय में हम बीए भाग द्वितीय के पेपर टू को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर का नाम भारतीय राजव्यवस्था है। इस पेपर में अब तक हमने संविधान में जो मूल अधिकारों का अध्याय है भाग तीन में, वो लगभग पूरा देख लिया है। आज हम जो नेक्स्ट निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उस चैप्टर को देखने का प्रयास करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से संविधान के भाग तीन में मूल अधिकार है, उसी प्रकार से संविधान के भाग चार में निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ये निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। निदेशक तत्वों की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से मूल अधिकारों का प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर के लिया था, उसी प्रकार से निदेशक तत्वों का ये जो अध्याय है वो आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर के हमारे संविधान में लिया गया है। इसके माध्यम से संविधान राज्य को ये बताता है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से राज्य को सरकारों को किन पक्षों पर बल देना चाहिए। निदेशक तत्वों के इस अध्याय में सबसे पहले हम देखते हैं कि निदेशक तत्वों का इतिहास क्या रहा है, हिस्ट्री ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में निदेशक तत्वों का ये जो विकास है वो मूल अधिकारों के विकास के साथ ही शुरू हो गया था, क्योंकि आगे चल करके मैं बताऊंगा कि निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों में बेसिक डिफरेंस नहीं है, ये एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। इनमें दोनों में काफ़ी अंतर है, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इसलिए मूल अधिकार और निदेशक तत्वों का विकास हमारे संविधान में साथ साथ ही हुआ, क्योंकि हमारी जो संविधान सभा जो संविधान बनाने के लिए बैठी थी, संविधान सभा के सदस्यों में इस बात पर सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में नागरिकों को व्यक्तियों को मूल अधिकार मिलने चाहिए। साथ ही उनमें इस बात पर भी सहमति थी कि भारत राज्य उस समय आर्थिक दृष्टि से इतना संपन्न नहीं था, इसलिए कुछ ऐसे अधिकार थे जो उस समय दिए जाने संभव नहीं थे, उन्हीं को एक तरह से निदेशक तत्व कहा गया। इसलिए इनके लिए ये व्यवस्था की गई कि जिन मूल अधिकारों को हम उस समय देने की स्थिति में थे उनको हमने भाग तीन में रखा, और जिन अधिकारों को तत्काल रूप में दिया जाना संभव नहीं था उसको भाग चार में निदेशक तत्वों में रखा गया। और उनके लिए ये व्यवस्था की गई कि आने वाले समय में जब सरकारें जैसे जैसे समर्थ होंगी वैसे वैसे नागरिकों को ये अधिकार उपलब्ध करवाएंगी। यानी निदेशक तत्वों में भी एक तरह से नागरिकों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए व्यवस्था है, बनाने के लिए जो अधिकार है वो ही है। तो उनको उस समय दिया जाना संभव नहीं था, और ये सरकारों पर छोड़ा गया कि जैसे जैसे वो समर्थ होंगी इनको लागू करेंगी और नागरिकों को उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। तो ये निदेशक तत्वों का इतिहास हमने थोड़ा सा देखा। अब हम देखते हैं निदेशक तत्वों की विशेषताएँ क्या क्या हैं, इन फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो निदेशक तत्वों की सबसे पहली विशेषता यही है कि राज्य की इन निदेशक तत्व स्पष्ट होता है, आपको पता है कि राज्य अपनी नीतियों को कानूनों को लागू करते समय इनको ध्यान में रखेगा। दूसरी विशेषता यह है कि निदेशक तत्व मूल अधिकारों की तरह न्यायोचित नहीं है, यानी कि ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसेबल है, जिसका मतलब है कि इनको लागू करवाने के लिए आप न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते। जिस प्रकार से अगर मूल अधिकारों को लागू नहीं किया जाता है, आपको अपने मूल अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय आपके मूल अधिकारों को लागू करवाता है। लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल है, इसलिए अगर राज्य इनको लागू नहीं करता है तो इनके लिए न्यायपालिका में नहीं जाया जा सकता और राज्य इनको लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरी इनकी विशेषता है वो ये है कि निदेशक तत्वों के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, वेलफेयर स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो व्यक्तियों की न्यूनतम सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आदि की आवश्यकताएँ पूरा करता है। तो निदेशक तत्वों के माध्यम से इन व्यक्तियों की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया गया है, इसलिए कहा जा सकता है कि इनके द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। चौथी विशेषता
निर्देशक तत्वों की चौथी विशेषता यही है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की जो बात की गई है उन पर ही ये निर्देशक तत्व आधारित हैं। नेक्स्ट विशेषता, नेक्स्ट यही है कि कुछ निर्देशक तत्व हैं वो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं, कुछ निर्देशक तत्व समाजवादी विचारधारा से और कुछ उदारवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। यानी निर्देशक तत्वों में मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इन तीन विचारधाराओं का प्रभाव है। नेक्स्ट विशेषता इसकी यही है कि निर्देशक तत्वों के द्वारा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, यानी इनके द्वारा व्यक्तियों की जो न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट विशेषता यह है कि निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य का दायित्व है, इसके लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता और न ही इनको लागू करवाने के लिए न्यायपालिका में जाया जा सकता है। तो ये हमने निर्देशक तत्वों की मुख्य मुख्य जो विशेषताएं हैं वो देखी। अब हम जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं हमारे भाग चार में अनुच्छेद 36 से 51 तक, तो 36 से 51 तक जो अनुच्छेद हैं उनको हम मोटा मोटा देखने का प्रयास करेंगे कि किस अनुच्छेद में किस निर्देशक तत्व की बात की गई है। तो सबसे पहले अगर हम अनुच्छेद 36 की बात करें तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। जिस प्रकार से मूल अधिकारों के अध्याय में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है उसी प्रकार से यहाँ पर अनुच्छेद 36 में दोबारा राज्य की परिभाषा दी गई है। तो वहाँ जो राज्य की परिभाषा है वही यहाँ पर है, जिसका मतलब यहाँ राज्य से मतलब ये बताया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें राज्य में गिनी जाएंगी। फिर अनुच्छेद 37 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 37 में ये कहा गया है कि भाग चार में ये जो निर्देशक तत्व दिए गए हैं इनको न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन फिर भी ये देश के शासन में मूलभूत है, इसलिए राज्य को अपने कानूनों के माध्यम से इनको लागू करने का प्रयास करना चाहिए, ये राज्य का कर्तव्य इसमें ठहराया गया है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अर्थात राज्य अपनी सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से संचालित करेगा जिससे कि लोक कल्याण की ज़्यादा से ज़्यादा अभिवृद्धि हो, लोक कल्याण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसी के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का राज्य प्रयास करेगा और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर के आधार पर जो असमानताएं उत्पन्न होती हैं उनको समाप्त करने का राज्य प्रयास करेगा। फिर अनुच्छेद 39 में 39 इसमें कुछ निर्देशक तत्व राज्यों के लिए ठहराए गए हैं, अनुसरणीय बताए गए हैं, वो ये है कि स्त्रियों और पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाने का राज्य प्रयास करेगा, समाज में जो भौतिक संसाधन हैं उनका उचित वितरण का प्रयास करेगा, यानी भौतिक संसाधनों का ऐसा न हो कि कुछ लोगों के हाथों में बहुत सारे भौतिक संसाधन हो जाएं और कुछ को कुछ भी न मिले। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन और धन का जो अहितकारी केंद्रीकरण है उसको समाप्त करने का राज्य प्रयास करेगा, यानी अर्थव्यवस्था में धन और उत्पादन के साधन कुछ लोगों के हाथों में ही इकट्ठे न हो जाए इस बात को राज्य प्रयास करेगा। इसी तरह से कहा गया है कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा आदि आदि बातें इसमें कही गई हैं। फिर इसी तरह से 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह अनुच्छेद 39 के जोड़ा गया, जिसमें सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि राज्य का विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करे कि सम्मान अवसर के आधार पर सभी को न्याय सुलभ हो तथा आर्थिक कारणों से कोई व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए, इसलिए इसमें निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था भी की गई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 39 के, इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। इसी के तहत 1959 में नागौर में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ और आगे चलकर 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का राज्य उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43 में
जो कर्मचारी है, कर्मकार है, उनके लिए निर्वाह मजदूरी, एक शिष्ट जीवन स्तर और उनके लिए अवकाश की व्यवस्था हो, ऐसा राज्य प्रयास करेगा और राज्य कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहित करेगा। फिर इसी में अनुच्छेद 43 के 43 के जोड़ा गया, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें यह कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकार भी भाग लेंगे, यानी कर्मचारी हैं वो उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी कर सकेंगे। फिर अनुच्छेद 44, इसमें एक सम्मान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, अर्थात जो सभी धर्मों के जो सिविल मामले हैं, विवाह, तलाक आदि मामले हैं, वो एक ही विधि से प्रशासित होंगे, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अभी भारत में ये लागू नहीं है। फिर अनुच्छेद 45 में जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, शिशु हैं, उनकी देखभाल और उनकी शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है, अर्थात ST SC और अन्य जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन हैं उनके शिक्षा संबंधी और उनके आर्थिक हितु संबंधी पूर्ति का राज्य प्रयास करेगा और उनकी हर प्रकार के शोषण और सामाजिक अन्याय से उनके क्या करेगा, राज्य रक्षा करेगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य ठहराया गया है। इसी के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वो मादक पेय पदार्थ या हानिकारक जो नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन को निषेध करेगा। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन की बात की गई है, इसमें महत्वपूर्ण है फिर अनुच्छेद 48 के, इसको भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो अब तक मैं 3 अनुच्छेद आपको बता चुका हूँ जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। ये काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 48 के ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि वर्तमान समय में जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें एनवायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में ये वाला यहाँ क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है। तो अनुच्छेद 48 के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, इसमें पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा, ये निर्देशक तत्व जोड़ा गया है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का राज्य का कर्तव्य ठहराया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात की गई है और अनुच्छेद 51 जो कि सबसे लास्ट है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा, ये कहा गया है। तो इस तरह से अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारा भाग 4 में निदेशक तत्वों का प्रावधान है। अब हम निदेशक तत्वों की आलोचना देखेंगे। यह निदेशक तत्वों का अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बताया कि इसके माध्यम से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कम से कम करने का प्रयास किया गया है। इसके बावजूद निदेशक तत्वों की आलोचना की जाती है। आलोचना किन आधारों पर की जाती है? पहली आलोचना तो यही की जाती है कि इन निदेशक तत्वों के द्वारा विधायिका और न्यायपालिका में विवाद या संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ कि मूल अधिकारों में आपको संपत्ति का अधिकार दिया गया है, वहीं दूसरी ओर निदेशक तत्व में यह कहा गया है कि राज्य आर्थिक विषमताओं को कम करने का प्रयास करेगा। तो जब राज्य ने इन निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया, आर्थिक विषमताओं को कम करने का प्रयास किया, तो लोगों का मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था वो कहीं ना कहीं क्षीण हुआ, कहीं ना कहीं वो कम हुआ, इसलिए उस समय न्यायपालिका और विधायिका के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। तो पहला आलोचना यही की जाती है कि इससे विधायिका और न्यायपालिका में संघर्ष या टकराव की स्थिति पैदा होती है। दूसरी आलोचना इसकी ये की जाती है कि जैसे मूल अधिकार अगर आपको नहीं मिलते हैं, लागू नहीं किए जाते हैं, तो आप न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं, वो जस्टिसेबल है, जबकि निदेशक तत्व न्यायपालिका के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है। तीसरी आलोचना ये की जाती है कि इनका महत्व राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, जिससे कि वो निर्देशित हो, डायरेक्टिव हो, लेकिन बाध्यित नहीं, क्योंकि राज्य इनको लागू करने के लिए बाध्य कतई नहीं है, ये राज्य का कर्तव्य ठहराया गया है केवल। इसी तरह से चौथी आलोचना ये की जाती है कि संविधान में इनको मूलभूत बताया गया है, महत्वपूर्ण बताया गया है, लेकिन इनको लागू करने के लिए जो साधन है उनको स्पष्ट नहीं किया गया है,
इनको लागू करने के लिए क्या नीतियां होंगी उनको स्पष्ट नहीं किया गया है। पांचवी आलोचना ये की जाती है कि अभी तक कई सारे जो निर्देशक तत्व उनको लागू नहीं किया गया है, जिनमें हम कह सकते हैं जो सम्मान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसको लागू नहीं किया गया है। तो इस तरह से इन बिंदुओं पर निर्देशक तत्वों की आलोचना भी की जाती है, लेकिन इन आलोचनाओं से निर्देशक तत्वों का महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों के द्वारा व्यक्तियों के जीवन स्तर को उन्नत करने का, जीवन स्तर को बेहतर बनाने का, उनके व्यक्तित्व का विकास करने की बात की गई है। और ऐसा नहीं है कि निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया गया है, बहुत सारे निर्देशक तत्वों को सरकारों ने लागू कर दिया है। और इसमें निर्देशक तत्व है भी निर्देशक तत्व इसीलिए क्योंकि जिन मूल अधिकारों को, जिन चीज़ों को तत्काल समय दिया जाना था उनको तो हमने भाग तीन मूल अधिकारों में रखा, निर्देशक तत्वों को भाग चार में इसीलिए रखा कि उस समय हमारा राज्य या सरकारी इतनी समर्थ नहीं थी कि उनको उस समय उपलब्ध नागरिकों को वो करवा सके। अब हम देखते हैं मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व ये दोनों ही भारत के संविधान के दो आधार स्तंभ आप इनको कह सकते हैं, यानी दो महत्वपूर्ण अध्याय कह सकते हो। और इन दोनों का उद्देश्य भी, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि इन दोनों का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना है जिससे कि उनका संपूर्ण विकास हो सके, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, नैतिक, हर तरह का उनका विकास हो सके। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों में अंतर हम देखते हैं। पहला अंतर तो यही है कि मूल अधिकार हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं, जबकि निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अंतर दूसरा यह है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग तीन में है, जबकि निर्देशक तत्व भाग चार में है। तीसरा अंतर यह है कि मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका के शरण में जाया जा सकता है, यानी कि ये जस्टिसेबल है, जबकि निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायपालिका की शरण नहीं ली जा सकती, अर्थात ये नॉन जस्टिसेबल है। तीसरा, मूल अधिकारों के पीछे कानूनी मान्यता है, लीगल फोर्स इनके पीछे काम करता है, जबकि निर्देशक तत्वों के पीछे पॉलिटिकल मान्यता है, राजनीतिक मान्यता है, यानी पॉलिटिकल फोर्स इनके पीछे काम करता है। मूल अधिकार है वो राज्य और सरकार के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इसलिए सरकार के महत्व को क्या करते हैं, कम करते हैं, जबकि निर्देशक तत्व तो पूरी तरह से सरकारों का कर्तव्य ठहराया गया है कि वो इनको लागू करेगा, इसलिए सरकारों के महत्व को बढ़ाते हैं। छठा अंतर इसमें यह है कि मूल अधिकार व्यक्तियों को स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, जबकि निर्देशक तत्व स्वतः प्राप्त नहीं होते, ये राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इसी तरह से सातवां जो अंतर है वो यह है कि मूल अधिकार आपातकाल में निलंबित भी किए जा सकते हैं, जबकि निर्देशक तत्वों को निलंबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इन अंतरों के बावजूद हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्व दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि इन दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों व्यक्तियों के लिए आवश्यक है और दोनों ही व्यक्तियों के लिए कुछ सुविधाओं की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य जहां राज्य में एक आदर्श नागरिक का निर्माण करना है, वही निर्देशक तत्वों का उद्देश्य एक आदर्श राज्य की स्थापना करना है जो नागरिकों के लिए ज्यादा से ज्यादा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाएगा। अब निर्देशक तत्वों से संबंधित मैं कुछ तथ्य या फैक्ट बताऊंगा जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो निर्देशक तत्वों को जो संविधान भाग चार में दिए गए हैं उनको हम मोटे तौर पर पांच समूह में बांट सकते हैं, पांच कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व या आर्थिक निर्देशक तत्व। दूसरा, सामाजिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। तीसरा, राजनीति संबंधी निर्देशक तत्व। चौथा, पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व। दूसरा जो फैक्ट है वो मैं बता ही चुका हूँ कि इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तीसरा, जो कई कंपिटिशन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद के तहत
ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, तो अनुच्छेद 40 में की गई है। इसी तरह से ये भी पूछा जाता है कि सम्मान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 44 में किया गया है। आजकल ये सवाल भी काफ़ी पूछा जाता है कि स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो अनुच्छेद 39 के 39A में ये की गई है। और इसको मैंने आपको बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया, निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। इसी तरह से अनुच्छेद 48 के जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है, इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। ये भी कंपिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से आज हमारा निर्देशक तत्वों का जो अध्याय है वो पूर्ण हो चुका है। अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम न्यायपालिका इंडियन जुडिशियरी को देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।